आरजेडी की इफ्तार पार्टी के बाद बिहार की राजनीति नई करवट लेती नजर आ रही है। इस इफ्तार पार्टी ने केवल राजनीतिक दलों को ही नहीं बल्कि नेताओं के दिलों को भी जोड़ने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास का नजारा शुक्रवार को बदला बदला सा था। इस इफ्तार पार्टी में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की शादी के सवाल पर भी खूब चर्चा हुई। लालू परिवार ने चिराग पासवान से शादी की टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा। राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव सब ने चिराग से शादी को लेकर सवाल पूछा। आपके छोटे भाई ने पूछा, व्हाट हैव यू पुट मी इनटू, व्हाट हैव यू पुट मी इनटू, द ओनली क्वेश्चन आई एम गेटिंग इज व्हाट यू आर जानना चाहते हैं। तेजस्वी बड़े भाई के शादी में जाना चाहते हैं। देखिए मीसा भारती भी कर रही है कि जल्दी करो। हाँ तो ये काम दीदी और भाभी का होता है ना। बिल्कुल देखिए मीसा जी कर रही है, चाची से बात करेंगे, राबड़ी जी कर रही है हम बात करेंगे, जल्द शादी कराई जाएगी चिराग की। सर इस विषय में तो आप हमको बचा सकते हैं। देखिए चिराग जो भी वेटर है वो नमाज खाना जो है जहाँ नमाज होनी है जहाँ दुआ हुई है वो अंदर आ जाए। कुछ प्लेट यहाँ पर से जल्दी में हटा था, नमाज होगी यहाँ पर 10-15 वेटर अंदर में आ जाए। वहीं चारों तरफ से सवालों से घिरे चिराग ने मजाकिया लहजे में सीएम नीतीश कुमार से मदद मांगी। उनके मदद मांगने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा भी खिलखिला उठा। इसी बीच पुराने गिले शिकवे भूलकर चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चिराग पासवान को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। राजनीति की दुनिया भी बड़ी अजीब होती है। कभी एक दूसरे पर आग उगलने वाले नेता अब एक दूसरे पर मुस्कान बरसाते नजर आ रहे थे। वहीं चिराग ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राजनीतिक मतभेद भले हों लेकिन उनसे व्यक्तिगत मतभेद बिल्कुल भी नहीं है। चिराग ने कहा कि राजश्री और मीसा भारती की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके लिए दुल्हन तलाशें। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं एक लंबे अरसे के बाद पिताजी के निधन के बाद पहली बार इस घर में मेरा आना हुआ। यकीनन इस घर से बचपन की कई यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। आप सबके कैमरे में भी ज़रूर कैप्चर हुई होंगी, बचपन में जब राबड़ी मैम छठ करती थी तो हम लोग आते थे, उसमें सम्मिलित होते थे। बच्चे के तौर पर भी आया हूँ, मम्मी पापा दोनों के साथ आया हूँ। आज पापा नहीं है तो वो पुरानी यादें ज़रूर दिमाग में आती हैं। पहली बार है कि पापा के बिना यहाँ पर आया हूँ तो ज़रूर वो पुरानी यादें हैं, बट वो पारिवारिक संबंध तो ज़रूर हैं ही हम लोगों के लंबे समय से, और वो संबंध वैसे ही बरकरार रहे, उतनी ही खूबसूरती से रहे। और आज भी यहाँ पर आकर वही माहौल मिला, वही प्यार मिला, सबसे अच्छा लगा। देखिए मैंने इस बात को कहा, मुख्यमंत्री जी का मैंने पहुँच चुके आशीर्वाद लिया। शादी को लेकर एक मजाक चल रहा था तो मैंने मुख्यमंत्री जी से ही आग्रह किया कि सर मेरा संरक्षण कीजिए इसमें। तो व्यक्तिगत मैंने हमेशा इस बात को रखा है कि मेरे किसी से कोई व्यक्तिगत इश्यूज नहीं है। शायद उनका मेरे साथ भी नीतिगत ही विरोध है, शायद उनको मेरी नीतियाँ नहीं अच्छी लगती, मुझे उनकी नहीं लगती, स्वाभाविक है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। पर अगर इसको सोचें कि व्यक्तिगत कोई द्वेष है वो नहीं। बहुत शुक्रिया। भाई मैं तो अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ, बट अगर तो भाभी की भी जिम्मेदारी बनती है, ढूंढे भाभी हैं, मीसा जी हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है। भले ही इफ्तार के बहाने राजनीतिक दलों की महफिल सजी हो लेकिन नेताओं के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होने वाला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।